केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भिंड दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक की तस्वीरें सामने आई हैं। स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे और मंच के सामने करीब 1000 लोग बैठे थे। इस दौरान पहली ही लाइन में बैठे 3 लोगों के हाथों में बंदूकें नजर आईं। खबरें ये भी हैं कि बैठक व्यवस्था का इंतजाम भी ठीक से नहीं किया गया था और सवाल उठ रहे हैं कि ये कौन लोग थे जो गन लेकर बैठे हुए थे। तो मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एक कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान पहली लाइन में दर्शक दीर्घा में बैठे जो लोग थे उनके हाथों में बंदूक देखी गई और अब सवाल यही उठ रहा है कि ये कौन लोग थे जिनके हाथों में गन थी। तो बता दें आपको, स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे और मंच के सामने करीब 1000 लोग बैठे हुए थे और इस दौरान पहली ही लाइन में बैठे 3 लोगों के हाथों में बंदूक नजर आई। बता दें खबरें ये भी हैं कि बैठक व्यवस्था का इंतजाम भी ठीक से नहीं किया गया था। कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था आ रही है क्योंकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एक कार्यक्रम में पहुंचे और उनकी सुरक्षा में चूक नजर आई है। तो बता दें सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं जिनके हाथों में बंदूक है और पहली ही लाइन में ये तीनों लोग बैठे हुए हैं। जिनकी बहुत सारी टीम इस कार्यक्रम में है, आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहें क्योंकि अभी हमारे अतिथियों का स्वागत नहीं हुआ है।